एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर. ये बात समझ आ गई है? एम्फीबियंस कैन लिव, कैन का मतलब सकते हैं, लिव रह, ये रह सकते हैं ऑन लैंड, जमीन पर. लैंड कहते हैं जमीन को और ऑन कहते हैं पर. एंड ऑल्सो और बी किस में? इन वाटर, पानी में भी रह सकते हैं. ये मेंढक को देखा ना, इसको इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं. तो ये पानी में भी रह लेता है और खुशके पे भी जंप मारता है, ऊंचे ऊंचे मारता, नहीं मारता. एम्फीबियंस ब्रीथ और रिस्पायर. जी पुत्र पूछ. जी जी ऐसा ही है. एम्फीबियंस ब्रीथ, एम्फीबियंस जो होते हैं ये सांस लेते हैं. रिस्पायर का मतलब भी होता है अमले तनफुस जो होता है, सांस लेने का अमल है. थ्रू स्किन एंड लंग्स, ये अपने जिल्द से भी सांस ले सकते हैं और अपने फिफड़ों से भी सांस ले सकते हैं. इनकी जो जिल्द है ना, जिल्द, ये इससे भी सांस लेते हैं और अपने फिफड़ों से भी सांस लेते हैं. जी जिल्द से कैसे ले सकते हैं बेटा? ये तुझे नाइन्थ में पता चलेगा, नाइन्थ में. ठीक है, ये मैंने नाइन्थ क्लास में चीज पढ़ी थी. बस अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि ये जिल्द से सांस ले सकते हैं. कैसे लेते हैं फिर पूरा एक टॉपिक शुरू हो जाएगा. मुझे पता है मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके कोर्स में है ये इतना कि आपको सिर्फ इतना बस जनरल पता हो कि ये अपनी जिल्द से सांस ले सकते हैं. बस इनकी जिल्द इस तरह की होती है कि उसके जरिए से गैसों का तबादला हो सकता है, क्योंकि इनकी जिल्द नमदार होती है, गीली होती है. ठीक है, इनकी जिल्द क्या होती है? गीली जिल्द होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो खून में चली जाती है और निचले हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है. ठीक है, तो वो मैं पूरी आपको डिटेल बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है. अंडे पानी में, पानी में ये भी पानी में अंडे देते हैं. ठीक है, छोटे छोटे अंडे देते हैं इसलिए छोटे छोटे. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी तुखम मलंगा पिया पानी में डाल के? इस बगोल पानी में डाल के पिए ना? तुखम मलंगा पानी में डाल तो काला सा एक उसके अंदर दाना होता है और उसके गिर्द एक लेसदार मादा होता है. मछली का अंडा इस तरह का होता है, मैंने देखे हैं इसके अंडे. मेरे मामू का फार्म था तो हम मछली पकड़ के लाए थे, जब उसका पेट हमने चाक किया तो उसके अंदर से बहुत सारे अंडे निकले थे. तो इसके अंडे इस तरह के होते हैं. ठीक है, तुखम मलंगा जो पानी में भिगोया हुआ होता है उसकी तरह के. आगे चलते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनते जाना. एम्फीबियंस हैव मॉइस्ट एंड लूज स्किन. इनकी जो स्किन होती है वो गीली होती है और ढीली होती है. इनकी स्किन क्या होती है? बूढ़े बंदे होते हैं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, उनकी स्किन क्या होती है? लटक रही होती है, ढीली होती है ना, वैसे इनकी स्किन क्या होती है? लूज होती है और नमदार होती है, विदाउट स्केल्स, लेकिन उसके ऊपर छिलके नहीं, जैसे हमारे जिस्म पे कुछ छिलके हैं ऐसे इनकी होती है. एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एंड ले एग्स इन वाटर. एम्फीबियंस रहते कहाँ पे? जमीन पे, मिट्टी पे रहते हैं. एंड ले एग्स और अंडे देते हैं कहाँ पे? पानी में. सुन रहे हो? दियर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. इनकी जो बढ़ोतरी होती है, ये बढ़ते कहाँ पे हैं? ये पानी में बढ़ते हैं. इनकी पैदाइश पानी में होती है और ये बड़े भी पानी में होते हैं. ठीक है, उसके बाद जी यंग वंस, जो बच्चे होते हैं. यंग वंस का मतलब है बच्चे, यंग वंस का मतलब है बच्चे. आप एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस के बच्चे होते हैं आर कॉल्ड टेडपोल्स. उन्हें टेडपोल्स कहते हैं. उन्हें टेडपोल्स नहीं कहना, टेड समझते हो ना? हाँ, टेडपोल्स. क्लियर हो गया? दे लिव, ये दे से कौन मुराद है? टेडपोल. कौन? ये टेडपोल्स दे से मुराद है. टेडपोल्स रहते हैं किस में? पानी में. एंड हैव गिल्स, लेकिन इनके जो टेडपोल्स होते हैं ना उनमें बेटा गिल्स होते हैं, टू ब्रीथ विद, क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए. तो इनके जो बच्चे होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं. ठीक है, जो बाद में लंग्स बन जाते हैं. आगे चले. They are also cool-blooded. ये भी cool-blooded होते हैं. ये सर्द खून वाले जानदार हैं. Some examples of amphibians. Amphibians के कुछ मिसालें जो हैं are frogs. क्या हैं जी? मेंढक, डडू, टोड्स. वो भी इसकी तरह के होते हैं. टोड तो मैं दिखाता हूँ. ये देखो टोड. ये मेंढक है और ये टोड है. दोनों एक जैसे लगते हैं. मेंढक और टोड दोनों एक जैसे लगते हैं. समझ आ गई? नहीं आई? ठीक है, मेंढक बड़ा होता है, टोड जरा थोड़े छोटे छोटे होते हैं. आमतौर पे गर्मियों में निकलते हैं ये घरों में, गर्मियों में आप इन्हें देख सकते हैं. जी जी सर, मेंढकों की लंबी पूंछ तो नहीं होती इनकी? वो यार वो मेंढक नहीं, सिलेमेंडर है. ये सिलेमेंडर है, ये भी पानी में रहता है. ठीक है, और ये आ गया न्यूट. मैं इसकी आपको आपको इसकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ न्यूट की. ये देख रहे हो, ये भी पानी में रहता है. ये देखो, इसको न्यूट कहते हैं. नजर आ रही है सबको? ये पानी में रहते हैं, ये भी. समझ आ रहा है? ये न्यूट. एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये न्यूट आपको दिखा रहे हैं.
अब हम जरा थोड़ा सा आगे देखते हैं, हाँ खतरनाक होती है, चलो देखेंगे खतरनाक होती है या नहीं होती, ठीक है। फिलहाल बेटा इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मकसद ये नहीं है कि हम फ्रॉग को पढ़ें, टोड को पढ़ें, न्यूट को पढ़ें, सिलेमेंटर को पढ़ें, जब पढ़ना होगा तो फिर आपको सारी बातें इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इतनी बातें काफी है, क्योंकि आपके कोर्स में इतनी है, पेपर में आपने इतनी ही लिखनी है, आपका पेपर भी तो होना है ना। हाँ वरना काफी बातें बता सकता हूँ आपको इसके बारे में। फिलहाल आपने इनकी शक्लें देख ली है नहीं देख ली, बस